एक समय की बात है, एक काफी घना सा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। सभी पक्षी आपस में काफी ज्यादा मिलजुल कर रहते थे। किसी पक्षी में भी आपस में लड़ाई नहीं थी। उस जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था, लेकिन वह जंगल काफी ज्यादा पुराना था, जिसकी वजह से उस जंगल के सभी पेड़ों की लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। उन कमजोर लकड़ियों से किसी भी पक्षी का घर नहीं बन सकता था, इसीलिए अब तक किसी भी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया था। पर सभी पक्षियों को बहुत ही ज्यादा चिंता थी कि घर नहीं बना है तो वो बारिश में रहेंगे कहाँ पर। बारिश किसी भी वक्त हो सकती है, पर अभी तक हम सब पक्षियों ने अपने अपने घर नहीं बनाए हैं। पर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? चलो मैं जाकर सभी पक्षियों से बात करती हूँ। फिर मीनू चिड़िया एक जगह पर सभी पक्षियों को जमा कर लेती है और उन सब से कहती है। पक्षियों, क्या आप सबको बारिश की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? बारिश तो किसी भी समय हो सकती है, पर हम सबने अपना घर नहीं बनाया है। पर मीनू चिड़िया, इस बार हम घर कैसे बनाते? इस बार तो जंगल की सारी लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। हमने उन लकड़ियों को जाकर देखा भी था, वो लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। अब उन लकड़ियों से घर नहीं बनाए जा सकते। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, पिछली बार तो मैंने काफी मेहनत करके घर बना लिया था, लेकिन इस बार तो लकड़ियाँ ही नहीं हैं। मेरी मेहनत तो बच गई। वैसे भी अगर मजबूत लकड़ियाँ होती तो मैं भी अपना घर बना लेता। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, अब तो हम लोग एक ही काम कर सकते हैं। हम सब इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में ही जा सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं मिट्टू तोते, ये जंगल हम नहीं छोड़ के जा सकते। ये जंगल तो हमारे बाप दादाओं की निशानी है। उन लोगों ने कितने प्यार से इस जंगल को संभाल के रखा था, और अब हम इस जंगल को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं। नीनू चिड़िया ठीक कह रही है, मैं तो कभी भी इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ कि चलो सब वापस अपने अपने घोंसले में जाते हैं। यहाँ पर बैठ के बात करने से कुछ नहीं होगा। जब बारिश होगी तो कुछ ना कुछ कर लेंगे हम सब। फिर सभी पक्षी वापस अपने अपने घोंसलों में ही चले जाते हैं। मीनू चिड़िया का उस जंगल में एक बहुत ही पुराना तरबूज का बाग था, लेकिन वे बाग अब बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका था, जिसके कारण उस बाग के अंदर अब सिर्फ दो ही तरबूज बचे थे। मीरा, ये तरबूज का बाग कितना पुराना हो चुका है, और अब तो इस तरबूज के बाग में सिर्फ दो ही तरबूज बचे हैं। लेकिन अब मैं ये दो तरबूज संभाल कर रखूंगी। मैं इन्हें खाने में इस्तेमाल नहीं करूंगी। लेकिन अब मैं ये दो तरबूज संभाल कर रखूंगी। मैं इन्हें खाने में इस्तेमाल नहीं करूंगी। बारिश के बाद मैं दोबारा से इनके बीजों से तरबूज की फसल लगाऊंगी। फिर ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। सभी पक्षी इसी चिंता में थे कि अगर बारिश हो गई तो वे लोग क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी पक्षी के पास बारिश में रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश हो गई तो हमारा क्या होगा? पता नहीं किसी पक्षी को कोई जगह मिली बारिश में रहने की या फिर नहीं। एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया से जाकर बात करता हूँ, क्या पता उसने बारिश से बचने के लिए कुछ सोच रखा हो। फिर कबूतर उड़ता हुआ मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। कबूतर भैया, आप यहाँ पर कैसे? क्या मुझसे आपको कोई जरूरी काम था? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, और क्या काम हो सकता है? मैं तो बस तुमसे यही पूछने आया था कि बारिशें होने वाली हैं, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो कब से यही सोच रही हूँ, पर मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। सच में मैं बहुत ही परेशान हूँ कि बारिशों में हम सब पक्षी क्या करेंगे। अच्छा मीनू चिड़िया, बस मैं तुमसे यही पूछने आया था, लेकिन अब तक तुमने भी कुछ नहीं सोचा है, तो चलो फिर मैं जा रहा हूँ। मैं भी अपने घोंसले में जाकर सोचता हूँ कि बारिश का क्या करना है। फिर कबूतर वहाँ से वापस चला जाता है और मीनू चिड़िया उड़ती उड़ती अपने ही तरबूज के बाग में आकर बैठ जाती है। पता नहीं सभी पक्षी तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, किसी भी पक्षी का घर नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि अपने साथ साथ सभी पक्षियों को भी बारिश से बचा लूं? इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। आज पता नहीं मेरी अक्ल को क्या हो गया है। मीनू चिड़िया यही सब सोच रही होती है, तभी तरबूजों को देखकर उसके मन में एक योजना आती है।
हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ जिससे मैं अपने तीनों दोस्तों को भी बारिश से बचा लूंगी। मेरे ये दो तरबूज, मैं इन्हें बीच से आधा आधा काट दूंगी और इससे मैं चार छाते बना लूंगी। फिर वो चारों छाते हम चारों पक्षी अपने अपने घोंसलों में लगा लेंगी और इस तरह हम बारिश से बच जाएंगे। फिर मीनू चिड़िया वैसा ही करती है, वे तरबूजों को काट कर उससे चार छाते बना लेती है। चीलू, ये छाते तो बन गए हैं, अब मैं ये छाते अपने तीनों दोस्तों को दे देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया कबूतर और तोते को एक एक छाता दे देती है। कालू कौवा थोड़ा लालची था, इसीलिए मीनू चिड़िया उसे छाता देते हुए कहती है, कालू कौवी, ये छाता मैं तुम्हें दे रही हूँ, पर इसे बारिश तक बहुत संभाल कर रखना। अगर ये छाता गुम गया तो इसके अलावा बारिश से बचने का और कोई तरीका नहीं है। मेरे पास बस ये चार ही छाते थे, इसीलिए मैंने हम चारों में आपस में ये छाते बांट लिए हैं। अब तुम इस छाते को संभाल कर रखना, वरना तुम्हें बारिश में बहुत ही ज्यादा मसला होगा। इतना कहकर मीनू चिड़िया वापस आ जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों में वे तरबूज के छाते लगाए हुए थे। सभी पक्षी बारिश की चिंता से बिल्कुल ही मुक्त हो चुके थे। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल बारिश की चिंता में उड़ती हुई जा रही होती है। तभी उसे एक जगह पर कालू कौवे का घोंसला दिखता है। वे देखती है तो कालू कौवे ने अपने घोंसले पर एक छाता लगाया होता है। वाह भाई वाह, ये कालू कौवे ने क्या दिमाग लगाया है, इसने तो तरबूज का छाता बनाकर अपने घोंसले पर लगा लिया है। पर मेरा घोंसला तो ऐसे ही पड़ा है, उसमें तो बारिश से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। और तो और, ऐसे तरबूज पूरे जंगल में कहीं पर भी नहीं है। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इस कालू कौवे को कुछ दाने देकर इससे ये छाता खरीद लेती हूँ। फिर बुलबुल कालू कौवे के पास आकर बैठ जाती है। और बुलबुल, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कालू कौवे, मैं तुमसे ये छाता खरीदने आई हूँ, तुम मुझसे कुछ दाने ले लो और ये छाता मुझे दे दो। अरे, ये छाता तो मुझे मुफ्त में मिला था और इसके बदले में मुझे काफी सारा दाना भी मिल रहा है। चलो मैं ये छाता इस बुलबुल को दे देता हूँ और इससे दाना ले लेता हूँ। कालू कौवा बहुत ही लालची था, इसीलिए वे बुलबुल को छाता दे देता है। बुलबुल वे छाता लेकर वापस चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद काफी जोरदार बारिश हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने छातों में आराम से बैठे होते हैं, लेकिन कालू कौवा अपना छाता बेच चुका था। वे अपनी लालच की वजह से उस बारिश में भीग रहा होता है। अब कालू कौवे को काफी ज्यादा ठंडी लग रही होती है। और ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने लालच में आकर अपना वे छाता बेच दिया। मीनू चिड़िया ने मुझसे कितना कहा था कि इस छाते को संभाल कर रखना, लेकिन फिर भी मैंने लालच करी, इसी लालच की सजा आज मुझे मिल रही है। अब मैं क्या करूं? अब जब तक बारिश नहीं रुक जाएगी मुझे इसी बारिश में भीगना पड़ेगा। फिर इसी तरह कालू कौवा अपनी गलती की वजह से बारिश में भीगता रहता है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।